नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2017, द ससेप्टिबिलिटी जिसको हम काई से भी डिनोट करते हैं ऑफ फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगी। तो देखो पहले मैं आपको तीनों सब्सटेंस के बारे में बता देता हूँ, डीपीएफ दिल्ली पुलिस फोर्स, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक थोड़ा सा रिपेल होते हैं, मतलब रिपेल होते हैं बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक में थोड़ा अट्रैक्शन होता है, लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नली अप्लाइड होती है। अब अगर इनकी ससेप्टिबिलिटी की बात की जाए तो डायमैग्नेटिक में जो ससेप्टिबिलिटी होगी वो नेगेटिव होगी और स्मॉल भी होगी, तो हम कह सकते हैं स्मॉल एंड नेगेटिव। अगर पैरामैग्नेट की बात करें तो पैरामैग्नेटिक में जो ससेप्टिबिलिटी होगी वो स्मॉल होगी लेकिन पॉजिटिव होगी, मतलब मैं कह सकता हूँ कि लेट से एप्सिलॉन कोई वैल्यू है तो वो ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिक के लिए स्मॉल होगी लेकिन पॉजिटिव होगी, जबकि फेरोमैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी काई बहुत ज़्यादा होगी, लार्ज होगी और पॉजिटिव भी रहेगी। तो अब सही आंसर क्या होगा? तो ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरो के लिए हमें बताना है, तो लार्ज एंड पॉजिटिव, तो ऑप्शन ए सही होगा हमारा, 52 का ए।